अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग जो एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हैं वीक 12 की लेवल 1 की जो एप्लीकेशन है वो ये डिज़ाइन कर रहे हैं। नेम, मोबाइल नंबर, सेट क्वालिफिकेशन, सेलेक्ट जॉब, यहाँ तक हम लोगों ने डिज़ाइन कर ली थी। अब यहाँ तक हम लोगों ने ये सारी डिज़ाइन भी कर लिया और इसके जो वेरिएबल आईडी से हम लोगों ने जा क्लास में सेलेक्ट कर लिए हैं, कनेक्ट कर लिए हैं, आर फाइल्स ले लिए हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, चेक बॉक्सेस को और बटन पे काम करना है। ठीक है, तो आए इसमें जावा फाइल में, तो यहाँ पे हम लोग थे, सॉरी जावा फाइल में यहाँ पे थे हम लोग। ओके, तो यहाँ पे बटन फीमेल हो गया। अब हमारे पास चेक बॉक्सेस थे, चेक 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 फ्रेंड्स इक्वल्स टू फाइंड बाय आईडी और चेक फ्रेंड्स, चेक फ्रेंड। ओके सॉरी, ये इस तरह नहीं आता, फिर बोल गए। और डॉट आई डी आर फाइल से लेना होता है, आर फाइल। ठीक है, चेक फ्रेंड, चेक फ्रेंड को नहीं उठा रहा, यहाँ कोई और है वहाँ पे, चेक और डॉट चेक बॉक्स, एक मिनट, और डॉट चेक बॉक्स, एक दोबारा लिखते हैं, आर डॉट आई डी डॉट चेक बॉक्स, देख लेते कौन सा है, चेक बॉक्स कैपिटल सी में है। ठीक है, चेक बॉक्स फ्रंट। ठीक है, यहाँ पे इसको ना हम लोग स्मॉल में लिख लेते हैं, ये बाद में हमारे लिए इशू क्रिएट करेगा जब हम लोग बाद में प्रोग्रामिंग करेंगे। तो यहाँ पे इसको स्मॉल में बेहतर ये होता है, फैसिलिटेटर स्मॉल में लिखें, कोई इशू नहीं होता अगर कैपिटल लिख लिया, लेकिन चूंकि हम लोगों की आदत इस तरह की बनी हुई है ना कि हम स्मॉल में लिखते हैं फैसिलिटेटर, कैमल स्टाइल अप्लाई यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम लोगों के लिए इशू ये होता है। फिर चेक बॉक्स कौन सा था, सोशल, ओके इक्वल्स टू फाइंड बाय आई डी, सॉरी फाइंड बाय आई डी और डॉट आई डी डॉट चेक बॉक्स कौन सा, चेक बॉक्स सोशल। ठीक है, तीसरी चीज़ हमने करनी है, चेक बॉक्स न्यूज़ इक्वल्स टू फाइंड बाय आई डी, आर फाइल से क्या उठाना है तुमने, आर उसकी आई डी उठाएं, डॉट टेक्स्ट भी उठा सकते हैं, क्लास ज़रूरी नहीं है हर चीज़ आई डी से करें, लेकिन बेहतर ये है कि हम लोग फिलहाल आई डी पे काम कर रहे हैं। तो चेक बॉक्स न्यूज़, चेक बॉक्स न्यूज़, ठीक है, ये लेंगे। अब हमारे पास लास्ट क्या चीज़ बची है, बटन। बटन हमने रिसीव करना है आर फाइल से, तो फाइंड कनेक्ट करना है आर डॉट आई डी डॉट बी टी एन बटन अप्लाई। ओके, ये काम यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ काम हमने स्पिनर पे अप्लाई करना है, स्पिनर के बाद हम लोगों ने रेडियो बटन पे थोड़ा सा काम करना है, चेक बॉक्सेस पे काम करना है और बटन अप्लाई पे हम लोग टोस्ट बनाएंगे और इसको शो कर लेंगे। ठीक है क्लास, तो पहले सबसे पहले एक एरे लिस्ट ले लें, एरे लिस्ट आ जाएगी जी, लिस्ट किसकी, लिस्ट ऑफ क्वालिफिकेशन की, क्वाली लिख लें, क्वालिफिकेशन इक्वल्स टू न्यू, और एरे लिस्ट इस तरह नहीं लेते बल्कि एरे लिस्ट ये लेते हैं, इसमें स्ट्रिंग पास करें, स्ट्रिंग टाइप। ओके, न्यू न्यू एरे लिस्ट, अरे गुड। ओके, अब लिस्ट डॉट, ये जो लिस्ट बनाई है अपने क्वालिफिकेशन की, इसमें ऐड करें सारी की सारी क्वालिफिकेशन, डॉट ऐड, ऐड के अंदर करें जी बी एस सी एस, अब इसको कॉपी कर लें। ठीक है, बी एस सी एस यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे बी एस सी एस, सिर्फ इसको कॉपी करना है। ठीक है, एम एस और पी एच डी, एम एस और पी एच डी। ठीक है, उसके उस कंपनी को ना टीचर रिक्वायर्ड है, तो इसलिए हमने ये किया है।
एरर, तो ठीक है। अब इसके लिए ना हमें क्या बनाना पड़ता है, अडेप्टर, अरे अडेप्टर, अरे अडेप्टर, उसकी टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग, उसका अडेप्टर क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन ऑब्जेक्ट बनाते हैं अरे अडेप्टर का, इज इक्वल टू न्यू अरे अडेप्टर, यहाँ पे क्या चीज़ पास होती है, दिस एक चीज़ पास होगी जी, दिस के पास बाद पास होता है लेआउट, ठीक है। टाइम देख लेते हैं साथ साथ, टाइम इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो हम लोग इसको यहाँ पे कर लें एंड्रॉयड डॉट, यहाँ पे आ जाएगा जी अभी एंड्रॉयड, सॉरी एंड्रॉयड डॉट आर डॉट लेआउट डॉट सिंपल स्पिनर, और यहाँ पे वो लिस्ट ऑफ क्वालिफिकेशन जो है वो चली जाएगी इसके अंदर, ठीक है। अब हमने इसको बाउंड करना है किसके साथ, हमने इसको बाउंड करना है जी आपके पास जो स्पिनर क्वालिफिकेशन है ना, स्पिनर स्पिनर सॉरी स्पिनर क्वालिफिकेशन के साथ बाउंड कर लेना है। तो इसके अंदर क्या भेजेंगे हम लोग, डॉट पुट डॉट सेट अडेप्टर, सॉरी डॉट सेट अडेप्टर, तो सेट अडेप्टर के अंदर ये चीज़ भेजेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ तक इसको रन करा के देख सकते हैं, जब तक उसको रन होता ये उधर जाता, हम लोग एक और बना देते हैं, और किसकी लिस्ट यही कॉपी करें और हम लोग बना देते हैं, हम लोग अब इस बना देते हैं जी, एक और अरे बना देते हैं क्वालिफिकेशन और जॉब की, जॉब की बना देते हैं जिसमें हम लोग जॉब में हम लोग रख लेते हैं लेक्चरर, लेक्चरर एमएस के लिए हम लोग रख लेते हैं जी, एमएस में एपी एसोसिएट भी, एस पी एसोसिएट प्रोफेसर, ठीक है, शॉर्टेस्ट भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे उन्हें यहाँ जो लिस्ट जा रही है वो इसमें ना ये वाली लिस्ट जाएगी, और यहाँ पे क्वालिफिकेशन का ऑब्जेक्ट बनाने के बजाय हम लोग कौन सा बनाएंगे, जॉब का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जॉब के ऑब्जेक्ट में हम लोग पास करेंगे जी ये, ठीक है। आई होप कि यहाँ पे जब तक हमारा रन हो चुका होगा उसमें देख लेते हैं, आइए देखें जॉब पे क्वालिफिकेशन का आ गया है, ठीक है, अब इसलिए इसका नहीं आ रहा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे इस पर, ये भी इस पर इसको भी जब तक रन कर लेते हैं कि इसमें आया या नहीं आया, यहाँ तक हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ अपने उसके बाद क्या करना है, इसको मिनिमाइज कर लें क्लास, जहाँ अडेप्टर में हो गया, अब हमने काम किस पे करना है, ये सारी चीज़ें हमने रिसीव कर ली, अब हमने काम करना है जी अपने रेडियो बटन और उन पे, तो वो कब हो, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक पर, तो अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी वो, तो यहाँ पे कर लें बी टी एन अप्लाई डॉट ऑन क्लिक सेट ऑन, सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू डॉट व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, और यहाँ पे एक हमारे पास ओवरराइड हो गया फंक्शन, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर हम लोगों ने सारे काम करने हैं, अब बाकी जितने भी काम हैं, तो सबसे पहले हम लोग एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, स्ट्रिंग किसके लिए, रेडियो बटन में जेंडर के लिए जी, जी एम डी या जेंडर, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का एस कैपिटल होता है, स्ट्रिंग एस जेंडर, ठीक है। अब स्ट्रिंग में क्या आ जाएगा, जेंडर दो तरह से, रेडियो बटन और मेल और फीमेल, तो इफ रेडियो बटन मेल जो डॉट चेक्ड सी एच इज चेक्ड, अगर चेक्ड है
मेल जेंडर में क्या जाएगा, जेंडर इज इक्वल टू मेल अदरवाइज आर वी डी मेल खाली मेल एम सॉरी इसको फिर ये स्ट्रिंग है तो इसको इसमें रखना पड़ेगा मेल अदरवाइज मेल का एम कैपिटल लिखें क्योंकि हमने बाद में इसको यूज़ करना है। एल्स रेड्यू अगर एल्स वो दूसरा वाला क्योंकि है ही दो तो इसमें और देने की ज़रूरत नहीं है। जी एन डी जेंडर इक्वल्स टू फीमेल क्यों है ही दो तो इसमें एल्स में आपको फिर कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं है तो साथ साथ सेमीकोलन अप्लाई करें नहीं तो ये काफ़ी सारी एरर बन जाएंगी। अब आपने क्या लेना है स्ट्रिंग चेक बॉक्सेस, स्ट्रिंग चेक बॉक्स के लिए आपने क्या लिखा हुआ है जॉब टाइटल, जॉब टाइटल जॉब जॉब कर लें कि आपने जॉब सुनी कहाँ से है, जॉब न्यूज़ कर लें ठीक है जॉब न्यूज़ कर लें ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए जॉब आपने कहाँ से सुनी है। तो इसमें ये ऑप्शन है कि इसमें हम लोग जॉब न्यूज़ में ना एक भी हो सकता है एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं तो आप लोग इफ़ मल्टी इफ़ चूज़ करेंगे इफ़ अगर चेक बॉक्स ओके क्लास टाइम हो चुका है तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट ट्यूटोरियल में यहाँ से आके बताऊँगी कि चेक बॉक्स पे कंडीशन कैसे लगाएंगे।